हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की महान अनुकंपा से आप और आपका परिवार सकुशल ही होगा। मैं एमपी सर आप सभी का एसवी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आने वाले समय में जो परीक्षाओं में जो लोग सर्विस के लिए नौकरियों के लिए फॉर्म भरते हैं उनमें जीके का जो पेपर होता है, सामान्य ज्ञान का पेपर होता है, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं संकलन लेखन आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो देर ना करते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का या भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है और इसके रचयिता कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, और इसके रचयिता कौन है, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बच्चों, पहला प्रश्न, जैसे आप सभी ने देखा कि भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, इसके रचयिता कौन है। तो भारत देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसके रचयिता श्री बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब दूसरा प्रश्न है, भारत देश का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो आप सभी लोग जानते हैं चक्रवर्ती राजा भरत, चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पर हमारे भारत देश का नाम भारत देश रखा गया। तीसरा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। तो आप सभी जानते हैं तो बताएंगे, नहीं जानते तो लिख लेंगे। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। आप सभी बच्चे लिखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसी क्रम में जनसंख्या की दृष्टि से भारत देश का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो सीख लो, उत्तर प्रदेश। ये जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। फिर आगे, भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अनेक परीक्षाओं में पूछा था भारत देश की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 25-25 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर गंगा की लंबाई। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत देश की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो सबसे चौड़ी नदी आप जानते हैं तो बताएंगे, नहीं तो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी कौन सी, भारत देश की ब्रह्मपुत्र नदी। भारत देश की सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो इसमें भी ब्रह्मपुत्र का नाम आता है, ब्रह्मपुत्र। कहीं कहीं पर बच्चों आपको ये भी लिखा मिलता है गोदावरी, कहीं कहीं पर ये भी लिखा मिलता है गोदावरी नदी, लेकिन मुख्य रूप से भारत देश की चौड़ी और गहरी नदी में ब्रह्मपुत्र नदी ही आती है। इसके बाद, भारत देश की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो भारत देश की सबसे ऊंची मूर्ति आप जानते होंगे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये भारत देश की सबसे ऊंची मूर्ति है। आप सभी लोग जीके के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं
इनके आगे। तो बच्चों, आप सभी ने जितने प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिखे थे उन सभी का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम चलते हैं उन प्रश्नों के आगे और देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। आप लोग बताएंगे तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। सरस्वती ने की। बच्चों, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की बात है, भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया बिहार में। कहाँ से प्राप्त हुआ? बोध गया बिहार। भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? बोध गया बिहार, पीपल के वृक्ष के नीचे। और देखिए अगला प्रश्न बच्चों, आप लोग सब पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, कॉपी किताब का प्रयोग करते हैं, तो फिर कॉपी किताब पर एक प्रश्न आ गया है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? हमारे घर में हुआ, आपके घर में हुआ, भारत देश में हुआ, किसी और देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ बच्चों? चीन में। कहाँ पर हुआ? चीन में। कागज का आविष्कार बच्चों सबसे पहले चीन देश में हुआ। के बाद अगला प्रश्न, भारत देश में सशस्त्र बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता? तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे राष्ट्रपति। सबसे बड़ा कौन होता है अधिकारी? राष्ट्रपति होता है सशस्त्र बल का। फिर देखिए आगे शरीर संबंधित, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन ए। किस कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से लोगों को रतौंधी नामक रोग हो जाता है, कम दिखने लगता है। तो देखिए त्योहारों में आगे, पोंगल त्योहार किस राज्य का त्योहार है? तो यह है तमिलनाडु। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है बच्चों? तमिलनाडु में। परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं गिद्दा, सब लोग डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के त्योहार हैं? किस राज्य में मनाए जाते हैं? ये उत्तर हो जाएगा आपका पंजाब। पंजाब में जो नृत्य होते हैं, जो डांस होते हैं, वो गिद्दा और भांगड़ा कहलाते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? जब महिलाओं का शासन शुरू हुआ तो किसी ने शुरुआत की होगी, तो सबसे पहली महिला कौन थी? तो हो जाएगा रजिया सुल्तान। क्या हो जाएगा बेटा? रजिया सुल्तान। कहीं कहीं पर रजिया सुल्ताना भी लिखा होता है, तो चाहे रजिया सुल्तान बोलेंगे चाहे रजिया सुल्तान बोलेंगे, ये एक महिला थी। यहीं से शुरुआत हुई महिलाओं को शासन करना। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? शहीद भगत सिंह ने। किसने दिया था? शहीद भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था बच्चों? तो शहीद भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल बच्चों 13 अप्रैल सन 1919। जलियांवाला बाग कहां हत्याकांड हुआ? 13 अप्रैल सन 1919 अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में।
इसमें क्या होता है कि बैसाखी के पर्व पर बहुत से लोग एकत्र होकर के आपसी बात कर रहे थे, आपसी मीटिंग कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तभी जनरल डायल वहां पर अपनी फौज लेकर पहुंचता है और निहत्थी जनता पर गोलियां बरसा देता है, चलवा देता है, जिसमें निर्दोष जनता मारी जाती है और पूरा वो जलियांवाला बाग स्थान जो होता है लोगों के खून से लाल लाल हो जाता है, लहू लुहान हो जाता है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो अवश्य पढ़े 1919 की घटना। उसके बाद में एक विशेष प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा था? केसरी मीन्स बच्चों होता है शेर, पंजाब का शेर या पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आप लोग लिखेंगे लाला लाला लाजपत राय, लाज लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, पंजाब का शेर कहा जाता है। उसके बाद भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, किसे कहा जाता है? तो आप लोग लिखेंगे सरोजनी नायडू जी, सरोज सरोजनी। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। बच्चों इन प्रश्नों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम अगले प्रश्नों के साथ आपके साथ फिर आ रहे हैं। बच्चों तो इसके पहले जो प्रश्न हमने लिखा था बोर्ड पर आपने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे फिर हम देखते हैं। आप लोग बताइए, जीके पढ़ते हैं, क्लासों में पढ़ते हैं कि नीला खून किस प्राणी का होता है? आपने लाल खून लिखा होगा, आपका भी खून लाल है और हमारा भी खून लाल है, लेकिन एक ऐसा प्राणी है जिसका खून नीला होता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिए नीला खून किस प्राणी का होता है, ऑक्टोपस का। एक समुद्रीय प्राणी है जिसका खून नीले रंग का होता है, तो आज आप लोग जान लीजिए। उसके बाद में अगला प्रश्न, सफेद खून किस प्राणी का होता है? ये विशेष ध्यान दीजिए, सफेद खून किसका होता है? आपने तिलचट्टा का नाम सुना होगा, इसी का दूसरा नाम है कॉकरोच, इसी प्राणी का दूसरा नाम है काकरोच। तो काकरोच या तिलचट्टा का खून कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। उसके बाद में एक ऐसा प्राणी बताइए, ऐसा जीव बताइए कि जिसके तीन हृदय होते हैं। हमारे आपके ज्यादातर हमने पढ़ा कि एक हृदय होता है, लेकिन एक ऐसा प्राणी है जिसके तीन हृदय होते हैं, तो तीन हृदय वाला भी प्राणी कौन सा है? ऑक्टोपस है। कौन सा है बेटा? ऑक्टोपस। इसके तीन हृदय होते हैं, ये समुद्री जीव है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि को क्या कहते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि को क्या कहते हैं? विजय घाट, विजय घाट। या फिर कहीं कहीं पर आपको मिलता है लिखा कि लाल बहादुर जी की समाधि कहां पर बनी हुई, तो विजय घाट में बनी हुई है, ये विजय घाट कहते हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? आप लोगों को पता होगा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य। कौन है बच्चों? अर्थशास्त्र के रचयिता, बड़ी बड़ी नौकरियों में पूछा जाता है। फिर देखिए महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। कौन है? वेद व्यास जी, ये महाभारत के रचयिता है वेद व्यास जी। फिर अगला प्रश्न है कि श्री रामचरित मानस के रचयिता कौन है? इसको किसने लिखा है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी। किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। फिर एक और प्रश्न था, इसमें बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं
कि रामायण के रचयिता कौन, तो जो कई प्रश्न होता है रामायण के रचयिता कौन, तो लोग लिख देते हैं गोस्वामी तुलसीदास। लेकिन तुलसीदास ही नहीं है, रामायण के रचयिता कौन है आप लोग जानते होंगे, कौन है, वाल्मीकि जी है। रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि जी है। और श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी। उसके बाद में आता अगला प्रश्न कि गीता के रचयिता कौन है, तो गीता के भी रचयिता कौन है, वेद व्यास जी है। कौन है, वेद व्यास जी गीता के रचयिता। अंतिम प्रश्न है आज का कि अकबर नामा के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है अबुल और आप देखिए पुराना फजल, अबू फजल। कौन है बेटा, अबू फजल, ये अकबर नामा के रचयिता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए जीके के सामान्य ज्ञान के इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कलेक्ट किया है, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी लोग किसी भी प्रकार की परीक्षा देने जाएं, तो ईश्वर करे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रश्न आपको उन परीक्षाओं में मिले। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। जय हिंद, जय भारत।